बस उनको सत्ता और कुर्सी चाहिए होता है, तो उनके लिए उन लोग किसी भी हद तक गिर के झूठ बोलेगा, हर जगह कांग्रेस का हाथ का परचम लहराएगा, उसी हाथ से हम लोग कमल का फूल को तोड़ के फेंकेंगे। लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, हर घर में बुजुर्ग लोग, उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि मीडिया पर्सन है यहाँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना हिम्मत करके हमारा कांग्रेस का प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर रहा है। अदरवाइज तो सब लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया, पर मैं यही मानती हूँ, आज मीडिया भी आज सच्चाई के साथ आप लोग के दिल में लगता होगा कि कांग्रेस नहीं है, ऐसा अरुणाचल में अफवाह फैलाया गया है, गलत चीज है। बोलते हैं कि कांग्रेस को खत्म करना है, कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को मिटाना है, तो आप सब क्या है, कौन कौन यहाँ कांग्रेस है, हाथ उठाइए, आप सब कांग्रेस है, आप सब क्या मिट गया, खत्म हो गया, मर गया, नहीं ना? अगर कांग्रेस नहीं होता तो आपका लीडर लंबोदायन जी नहीं होता, बिना सर का, बिना पैर का, बिना माँ बाप का तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका बस दो जेपीएम है, वो भी जैसे तैसे कंसीडरेशन में, उनका कोई न सर है ना पाँव है कि नहीं? कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई भैया है। तो अब ये देखिए कि जो भी कांग्रेस कैंडिडेट जीता है, लार्ज नंबर से जीता है, कोई 1000 वोट से जीता है, कोई 300-400 वोट से जीता है, सोचिए आज भी कांग्रेस इतना पावरफुल है, जिसने भी इलेक्शन लड़ा है ग्राम में, जिला में, विधान में, कांग्रेस इतना मार्जिन लेके इलेक्शन जीतता आया है और जीत भी रहा। कांग्रेस है तो सब कुछ है, कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस है तो आपका घर है, कांग्रेस है तो आपका परिवार है, कांग्रेस नहीं है तो आपका चूल्हा, आपका एक एक पैसा उसको छीन लेगा भारतीय जनता पार्टी। इंदिरा गांधी जी का एक बात आज फिर से दोहराना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी जी ने कहा हमको जातिवाद नहीं चाहिए, तुम अपतनी है, निची है, आदी है, गालो है, तुम अमीर है, गरीब है, हमको ये नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी जी बोला कि हमको पब्लिक को उपलब्धियां, फैसिलिटी देना है, डेवलपमेंट देना है, विकास देना है, उन्नति देना है, वो आज तक कांग्रेस करके आ रहा है आलू पर, वो कांग्रेस राम साइड लॉक सिलो कर कांग्रेस को धोइन पुना तका मरमो वो साइड लॉक वो कांग्रेस राम साइड लॉक वो वाम वेलकम वीडियो आई डू नो दोनों ये वो सुबह को अम्मा अंकुना तो मरो आराम पर कौन से लोगों सिलो कर लो कांग्रेस कॉन्वेंशन जबान दुंगा कोना वोलो चेयरमैन वोलो प्रेसिडेंट ब्लो प्रेसिडेंट भाई बारो वोलो मिलकर ऑनरेबल एमएलए निकोपा तलंगो रेस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट एपीसीसी मीना कपो मैडम जी लो कांग्रेस कॉन्वेंशन लो लुमात आगम पत्तन इंपोर्ट हुए हैं स्पीकर पोनामा सीनियर वर्कर अनुया नाखिर ग्राम मेम्बर एने
यूनियना किराको निगम रूलिंग लो बीजेपी लो आब रकम लो आई मांगान तो मुंकिन मोडेना नलून टाकाम उनकी ऊपर कभी ऊपर नाम से रूलिंग पार्टी एमला बीजेपी लो गुटुदे विनो नाम मांग विराम नाम मांग इदो गिरिरो लो एक्सेम लो बसे दिन नाम फिसाप है आतोकु सिटिंग एमएलए बीजेपी के टिकट दी मांग सुपा के निवोताली तुकुत के तुआ एक कौन टिकट को गिरिच हुए कौन सुपुमान बुर्सु कुपलो दे अपने वोंग मुझे नाम है नोलू मने वो माहबो तो कुआ मुझे आया दो पर अम्नम ना लो पबोडू ने देलोक के लोम्बो नो आलंग कुला वोलू के मेवो एसेंबली कंसिस्टेंसी सब है वोलू रूलिंग पार्टी बीजेपी लोग इगे बोलां को के एंडो अम्मुला आगे नमा देखो पुम पता से बिजबिर दुगाए को नमा दे देगा उनके ताकि हुदी को तकाई को मा इना में पगड़ां गीत पे तो गीत पे गीजां को पोए ने दलो पर दूर दूं आतो को टिकेट पां को मा इनको दुगे पुन कांग्रेस में दुगलो से तो को एलो टिकेट पां को मा देखे ताना में ओके दल का तो इना में बीजेपी गवर्नमेंट है वो में एरिया डेवलपमेंट एंड इलावा मादो पर इतो सिरेला पान अति मुर्को पैसा पान अति गोते बीमा अम्मलो मुंकिरिरा मैं पब्लिक लो पे बन्ना मैं वेदु मैं पमिलो वो आलान कुला ये दो अन्यों सब डेवलप के इवो मुल आई दो अम्लां कम वो उन्दो आईये तो मैं वो पे मैं वो सिम रिप्रेजेंट ना लीडर पे दो मुयुम सुना मैं करूं नोलुकुम दें कायम मुयुम सुनेगे दे यें चेयरमैन है मुंह बीतू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी लोग चेयरमैन है सागरीय लोग के एमएलए नाबुन तो की बुयम को पापुं परे के बीतू इधर तेरा बस इक्यम मुझीला बीतू इनको हो वो लोग इस यंसो मिनिस्टर को दूंगा मिलो बाय वर्सू ऑफ इस पोस्ट मिनिस्टर ने चेयरमैन को इया मिनिस्टर का मान हम लगा पर तमाम को डिस्ट्रिक्ट दलो सीनियर मोस्ट एमएलए एम अमला चेयरमैन एम वो बितू नाबुन तो की में एलो बितू अपुन पारे ना डिस्ट्रिक्ट अभी ने वेलकम ही दूं वो लोग के मैं वो बीजेपी आते गए लंबों बिपाई मान एम ना मुर मुर में एलो ना रिप्रेजेंटेशन सम्मिट तेमा को तुकी के सगाली तो सम्मिट इधर कम तेमा अभी दिसे सन्नो देलो कम स्टैंड है सिनी लंगो लाभ को पारूं एम मंग इधर कम पॉलिटिकल पार्टी लोग के पोर्टफोलियो को बिलांग आला टाका में डिस्ट्रिक्ट लोग का अथॉरिटी ये क्या बोला टाका में कम दो चेयरमैन एम ला इनाम दे वॉल्यूम लगा पे अलुम्मा अमुन पते लोग मारे तुर्गेदुन पब्लिक लीडर्स 35 crore को 100 feet 100 adola चीफ मिनिस्टर ने पेमा कांडु एनर्स ला दिला वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने कजो पापे गुमन जेती है मैं पढ़ो का पापा भी ड्राइंग में बना दम देखे पाप कंप्लीट तो लीन फिर हुआ इधर कम असीपु मुके ने चाहते पेवर मारो मारो बेंतो को देना मैं स्टेट फैन अजीन अन्योलोग से इतो कम अधुका माये एमला प्रपोजल ने दिना मैं सुपा गोलू 228 crores को प्रपोजल ने इला सुपा के टेक्निकल वेटिंग उपन इंडा को देलो कमेल ऑफ इंडिया वालो उपन मल्ली दे को देम ओलु के चीफ मिनिस्टर है आया माप है ओलु मुंगुल को लो लेट में कह दे नंबर वन प्रायोरिटी लोग दिनों पर मलाबुरी इंस्ट्रक्शन से हिम को बिलिक दिखा जो है भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का एक जुमले वाला जो है ना वो पॉलिटिक्स है, ब्रेन वॉश करना, माइंड को डाइवर्ट करना, उन लोग से तो कुछ होता नहीं। आज मैंने ये भी कहा है पॉलिसी प्रोग्राम में उनका हर चीज जीरो लेवल में होता है, बस उनको सत्ता और कुर्सी चाहिए होता है। तो उनके लिए उन लोग किसी भी हद तक गिर के झूठ बोलेगा कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं है, है ही नहीं, ऐसा करके। तो आपको समझ में आ गया होगा विधानसभा चुनाव में आप लोग को क्या ये आप हमारे जनता से पूछिए, जनता से पूछिए कि अगले विधानसभा में क्या होगा। जनता बताइए अगले विधानसभा में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद होगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद होगा, हर जगह कांग्रेस का हाथ का परचम लहराएगा, उसी हाथ से हम लोग कमल का फूल को तोड़ के फेंकेंगे। ये है अगले विधानसभा का हमारा मकसद। प्रेजेंट जो एंटी करप्शन का सिचुएशन चल रहा है, आपने भी तकोर शीतल का रेफरेंस दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने तकोर शीतल का रेफरेंस नहीं दिया है, हमने ये कहा है कि बहुत पब्लिक लोग, अरुणाचल के पब्लिक लोग इतने दुख है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी करप्शन वाले पॉलिसी प्रोग्राम से इतने दुखित है कि हर समय, हर वक्त, हर हफ्ता, हर दिन, हर महीने पब्लिक रोड पे कभी रैली करते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी धरना पे बैठते हैं, यहाँ तक कि पैदल पैदल चलते चलते दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आज वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। उसमें शीतल नाम के, शीतल भी एक यहाँ के पब्लिक है, वो भी वहाँ गई है, अच्छी बात है, ऐसा गया है तो वहाँ के बहुत सारे, ओनली शीतल नहीं, बहुत सारे नौजवानों ने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया है उस मुहिम पे, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। मैं तो देख रही हूँ आप प्रसार भारती है, यहाँ अरुण भूमि है, सारा कवर करना चाहिए, दिल्ली जाके कवर करना चाहिए कि हमारा ये भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है हमारे स्टेट में आखिर कौन सा घपला कर रहा है, उसका पर्दाफाश करना चाहिए। मैम आपसे पूछना चाहूँगा, मैम आज का पार्टिसिपेशन देख करके मेबो में जो है, मैम आपको क्या लगता है पूरा अरुणाचल में मैम कांग्रेस का फिर से वापसी होगा? मैम वापसी नहीं, कांग्रेस हमेशा अरुणाचल में था और हमेशा रहेगा, वापसी वाली कोई बात नहीं है यहाँ में, क्योंकि कांग्रेस अरुणाचल की देन है, मेबो भी देन है कांग्रेस की, और यहाँ हर जनता के दिल में कांग्रेस है, कांग्रेस का परचम हमेशा लहराता है, लहराता आएगा, ये कोई ट्रेन नहीं है जो छूट गया फिर वापस आया, कांग्रेस हमेशा रहेगा। मेबो वाले ने बहुत ही शानदार तरीके से पिछले विधानसभा में कांग्रेस को जिताया है, नेक्स्ट में भी जिताएगा, यहाँ हमारे ग्राम में है, जिला में है, विधानसभा में भी जीत के आया है, तो आगे भी जीतेगा। मैम आप एक महिला है, मैम महिलाओं के लिए खास करके आप क्या कहना चाहेंगी मैम आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? महिला को हमेशा कांग्रेस ने आगे का दर्जा दिया है, आपको पता है कि 33% रिजर्वेशन पंचायत इलेक्शन में, और हमारा मानना है कि विधानसभा में फिर इसके बाद लोकसभा जितने भी इलेक्शन आएंगे जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें भी प्रियंका गांधी का कहना क्या है, एक नारा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आप जानते होंगे, उसको जानने के बाद भी आप ऐसा सवाल करते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस कितने औरतों को, लड़कियों को कितना अपॉर्चुनिटी देता है, कितना आगे बढ़ाता है। प्रियंका गांधी इस लड़ाई के साथ पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि लड़की औरतों का पार्टिसिपेशन कांग्रेस में कितना मायने रखता है। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, आज का प्रोग्राम में सर जो ये कन्वेंशन था इसका पार्टिसिपेशन को देख के सर आपको क्या लगता है आने वाला चुनाव में सर आपका तैयारी कितना है और सर आपका उम्मीद क्या है सर पब्लिक से? बस यही है कि आउट ऑफ 2,308 फैमिलीज इन मेबो जी, तो आज तो 1,803 फैमिलीज ज्वाइन मतलब पार्टिसिपेट किया है, बस रिमेन ओनली 585 ही नॉन कांग्रेस रह गया, बस वही है। तो सर आपका तरफ से पूरा श्योरिटी है सर आने वाला चुनाव को? आने वाला सर में जो भी उठेगा वो तो श्योर हो जाएगा, कांग्रेस से जो होगा श्योर शोट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे मेबो के एमएलए साहब लोम्बो तायंग जी और साथ ही जो कांग्रेस की एपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं तोको मीना जी, साफ तौर पर इस कन्वेंशन के बाद कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उनका वापसी जरूर होगा रिजर्वेशन को लेकर के भी, और साथ ही साथ इनका जो कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से औरतों को, जो महिलाएँ हैं महिलाओं को हमेशा से प्राथमिकता देता आया है, और लोम्बो तायंग जी को आपने सुना पूरी तरह से श्योर है, आश्वासन दिया है कि मेबो में दोबारा से कांग्रेस का ही जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस ही विजयी होगा।